पानी जो इंसानियत की बुनियादी जरूरत है। असील बालाकोट में हाजी गुलाम हसन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 34 स्कीमों पर काम तेजी के साथ जारी। खालस अल्लाह की रजा के लिए रिज़्क़ हलाल आमदनी से करोड़ों रुपए मालियत आला क्वालिटी पानी के पाइप की दूसरी बड़ी खेप बालाकोट पहुंच गई। काशिया गांव में पानी की तरसील मुकम्मल करने के बाद गांव अलाड़ी पटेका बुढ़वई बांफोड़ा गड़िया बिबुला बटाकुंडी करलाट नड़ा हसा समेत बेशुमार दई इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम तेजी के साथ जारी है। सैकड़ों माओ बहनों के सरों से पानी के घड़े उतार कर घर घर पानी पहुँचाने का एजाज हासिल करने वाले हाजी गुलाम हसन और उसकी पूरी टीम को झोलियां उठाकर दुआएं देने वाले इलाका मकीन कहते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें को इसके नेक कमाल से दराजी उम्र दी। अल्लाह ताला हाजी गुलाम हसन साहब से कारोबार पे उनकी जान और माल पे बरकत दे कि उन्होंने हमारा ये पानी के पीने के पानी का बड़ा मसला हल कर वो 2 लाख अफराद को अजीत तो उन्होंने याद दिलाई है। कितनी बड़ी परेशानियाँ सी, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी आबादी है, वो पुल तो गुजरना से बहुत बड़ा मुश्किल गुजारा थी। हाजी गुलाम हसन को ये एजाज हासिल है की सियासत से हट कर बला तफरीक हसब नसब और तासब से पाक खिदमत को यकीनी बनाने के लिए बजाय मशवरों पर अमल दरामद करने के अपनी खुफिया टीम के जरिए तहसील भर में मालूमात हासिल करते हैं, जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी जरूरतों को ऐसे पूरा करते हैं कि दूसरे हाथ को खबर तक नहीं होती। जो काम MNA साले खान MPS सैयद अहमद हुसैन शाह और बल्दियाती नुमाइंदे न कर सके, अल्लाह ताला ने इस काम के करने की लकीर हाजी गुलाम हसन के हाथ में रख दी। एहसान करके एहसान जितलाना हाजी गुलाम हसन गुनाह कबीरा समझते हुए कहते हैं, अल्लाह पाक ऐसी दौलत न दे जिससे अल्लाह की मखलूक को नफा न हो। मेरा ताल्लुक मिडिल तबके से है और मुझे एहसास है कि गुरबत और मजबूरी कितनी संगीन होती है। इसीलिए कहते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर शख्स को एक दूसरे की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और जब तक वो इस दुनिया में रहे अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की इस तरह खिदमत करे कि एक हाथ से दे और दूसरे को खबर तक न हो। कैमरा टीम के साथ मीर अफजल गुलजार DMM न्यूज मानसेरा।